सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि दृश्यम 2 को जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, स्पेशली द हाउसफुल सुनते ही हम सभी के मुंह पे खुशी तो आती ही है। वेल, मूवी रिलीज होने के बाद ही हमने देखा कि सभी थिएटर्स में किसी को टिकट्स नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा बेकाबू है। हमें दृश्यम 2 देखना है भाई, आगे हुआ क्या है हर किसी को जानना है। आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा रिएक्शन, सबसे पहले आपका रिएक्शन जब इस तरीके से प्यार मिलता है जनता का, और दृश्यम 2 का जो एक्सपीरियंस रहा कैसा था। जैसे कि आपने कहा कि कोई भी फिल्म जब हाउसफुल होती है, आई थिंक वो जो फीलिंग होती है वो अलग ही होती है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस इस बार, क्योंकि मैं खुद गई, मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ जा रही हूँ विथ फ्रेंड्स और किसी ना किसी के साथ, और सच में हाउसफुल है। तो यू नो व्हेन यू गो इन द थिएटर्स एंड आप देखते कि नीचे वाले फर्स्ट रो से लेकर पीछे लाइक सब बैठे हैं, एंड बीच में जो ऑडियंस का रिएक्शन है, लोग हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वो आई थिंक एक्सपीरियंस करना बहुत ही मज़ेदार था मेरे लिए। इतना अच्छा था कि मुझे अभी वापस जाना है, लाइक आई थिंक टुनाइट अगेन आई एम गोइंग टू गो। सो फैबुलस फैबुलस, एंड टचवुड मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट नॉट जस्ट मी, ऑफकोर्स हमारी पूरी टीम, आर डायरेक्टर, ऑल दी अदर एक्टर्स, आई थिंक सब बहुत ज़्यादा खुश है। ऑफकोर्स हमने एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज इसके पहले भी जो रिएक्शन थे, जैसे ही दृश्यम 2 का न्यूज़ आया था, लोग बहुत यू नो एक्साइटेड थे जानने के लिए कि क्या दिखाएंगे। इनफैक्ट मी ऑल्सो, जब मुझे पता चला दृश्यम 2 बनने वाली है, मेरा पहला रिएक्शन था, लेकिन मतलब क्या दिखा सकते हैं, वॉट पॉसिबल कैन हैपन नेक्स्ट। आई थिंक ये जो क्यूरियोसिटी है ऑडियंस में, इसके वजह से लोग आए हैं थिएटर्स में, अभी भी आ रहे हैं। इट्स अ वीकडे एंड लोगों को फिर भी जाना है। लाइक मुझे ऑलमोस्ट हर 5 मिनट्स में मैसेज आ रहा है कि ओ हमने दृश्यम देखी, ओ हमें बड़ा मज़ा आया, ओ हम वापस जाना चाहते हैं। तो मतलब मज़ा आ रहा है। गन ओके, वी डू इट अगेन। और दिख रहा था ना, नहीं दिख रहा था, ठीक है, ओके, फाइन नाउ। Well, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब पता चला कि दृश्यम 2 में आपका एक किरदार दिखने वाला है, साथ ही किस तरीके का किरदार आप पोर्ट्रे करेंगे एंड ऑल, क्या कुछ मन में था? क्योंकि अजय देवगन ही इज़ नोन फॉर लाइक उन स्पेशली, जब जब हमने जिस किसी का भी रिव्यू लिया है, स्पेशली द आई वूमेन ऑफ अजय देवगन, एज वेल एज व्हाट वॉज योर रिएक्शन, यू वर गोइंग टू वर्क विद हिम, एज वेल एज श्रिया शरण, शी वॉज ऑल्सो प्लेइंग योर मदर्स रोल। आई थिंक पहली ये ज़्यादा आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ था जब मुझे फर्स्ट फिल्म के लिए कॉल आया था कि यू नो ऐसा रोल है, एंड तब मुझे आई डेंट नो कि दृश्यम की स्टोरी क्या है। मैं बस चली गई बिकॉज आई वॉज लाइक मतलब मुझे मौका मिल रहा है काम करने का अजय सर के साथ, तबू मैम, श्रेया, लाइक यू नो निशिकांत सर थे जो फर्स्ट फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो जो कास्ट एंड क्रू इतना स्ट्रॉन्ग था, आई वॉज लाइक ऑफकोर्स आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। फिर जब शूटिंग शुरू की एंड जो पहले फिल्म का रिएक्शन था, ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि लोगों को इतनी पसंद आएगी। एंड 7 साल हो गए, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमेशा लगता था कि शायद पार्ट 2 कभी आएगी। एंड जब मलयालम में अनाउंस हुई कि दृश्यम पार्ट 2 बनने वाली है, तो ऑब्वियसली वी न्यू कि अगर वहाँ बनी है तो यहाँ पे भी इवेंचुअली बनेगी। एंड जैसा कि मैंने कहा, एक ही क्वेश्चन था कि क्या दिखाएंगे आफ्टर 7 ईयर्स। मतलब सबको लगा कि फर्स्ट फिल्म में क्लोजर मिल गया, अच्छा ये बस ख़त्म, अभी इसके बाद क्या होने वाली है। सो वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई गॉट टू नो कि हिंदी में बन रही है, कि मैं बहुत खुश थी। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू मीट एवरीबडी आफ्टर 7 ईयर्स। तो हमारे लिए रीयूनियन था, 7 साल में कितना कुछ बदल गया है, यू नो। वो मेरी पहली फिल्म थी, मेरा पहला एक्सपीरियंस था टू वर्क इन यू नो इन द फिल्म इंडस्ट्री, एंड 7 साल बाद यू नो ऑफकोर्स जितना जो भी काम किया है, तो अच्छा एक्सपीरियंस था मीटिंग एवरीबडी अगेन। इस बार अक्षय सर भी हमारे साथ है, तो वेन एवर आई थिंक ऐसा मौका मिलता है बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का, यू नो वो सो एस्टैब्लिश्ड, जो इतने अच्छे हैं, यू नो नेशनल अवार्ड विनर्स, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। सो फॉर मी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ अंदर अंदर टक कर लो। जिस तरह से हमें पता है कि मलयालम में भी पहले बन चुकी थी, सो उसमें भी किरदार दिखता है लोगों का, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग होता है कि हम उससे कितना बेहतर कर सकते हैं। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था कि लोगों को कितना पसंद आएगा ये किरदार, और कितना प्रेशर था कि नहीं ऐसा नहीं, कुछ ऐसा करना है? आई थिंक
प्रेशर ऑनेस्टली मैंने उतना लिया नहीं, आई थिंक सारा स्ट्रेस शायद हमारे डायरेक्टर अभिषेक के ऊपर ही था, बट आई वेंट विद द फ्लो ऑनेस्टली. जो मुझे सबसे डिफ़िकल्ट लगा अंजू का कैरेक्टर जो 7 साल बाद जिस तरह से डेवलप हुआ है, कि उसे एनजाइटी अटैक्स आते हैं, उसे फिट्स आते हैं, सो फिज़िकली और मेंटली शी इज़ वो वैसी नहीं है जो वो 7 साल पहले थी. तो आई थिंक वो उसको प्रोसेस करना कि ऐसा कैरेक्टर ऑल्सो अगर आप देखें उसके हाथों एक मर्डर हो जाता है जो वो करना नहीं चाहती है, तो एक नॉर्मल पर्सन जो अच्छा होता है उससे उसके हाथों अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो उसके लाइफ में उसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा. सो वो है इफ़ेक्ट अंजू का 7 ईयर्स लेटर. तो उसको काइंड ऑफ शो करना, थोड़ा सा मुझे उस बात को लेकर थोड़ी टेंशन थी कि आई वॉन्टेड टू डू अ गुड जॉब. मुझे इवन अभिषेक सर, इनफैक्ट हमने काफ़ी सारे रीडिंग्स किए, हमने काफ़ी यू नो ही सेंट मी रेफरेंसेस कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए. एंड जैसा कि आपने कहा कि मलयालम में ऑलरेडी आ गई थी, ये सेम चीज़ 7 साल पहले भी मैंने की थी. मैंने फिल्म नहीं देखी थी ताकि द डायरेक्टर वॉन्टेड कि मैं अपना वर्जन ऑफ अंजू पोर्ट्रे करूँ. इस बार ऑफकोर्स मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मैंने फिल्म देख ली थी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अपना वर्जन क्रिएट करूँ एंड उस जो उन्होंने किया है उसको रिक्रिएट ना करूँ. तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मतलब अब तक जितने रिस्पॉन्स आए लोगों को अच्छा लगा है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. वेल, एक बार फिर जब सभी शूटिंग जो भी लोकेशंस थे वही लोकेशंस, हाँ कैसा रहा? आई थिंक यू नो दैट ऑल्सो हेल्प. जैसे आपने कहा कि किस तरह से 7 साल बाद वापस आए तो कैसा प्रिपरेशन रहा, यू नो जब आप सेम कास्ट के साथ वापस आ रहे हैं सेम लोकेशंस में, तो वो अलग था लेकिन उनको रिक्रिएट किया गया, वो गोवा का घर वो वही घर था. तो आई थिंक कहीं ना कहीं जाके ना आपको लगता है कि यू हैव गॉन बैक इन टाइम, कि वो 7 साल कभी हुए ही नहीं. ऐसा लगा कि अच्छा हमने शूटिंग फर्स्ट फिनिश की, अभी सेकंड शूटिंग कर रहे हैं. तो वो एज एन एक्टर आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट हैविंग सिमिलर सर्कमस्टेंस. तो वो आपके कैरेक्टर को भी डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है. मतलब यू ऑलरेडी नो दैट स्पेस कि अच्छा हाँ यहाँ से किचन है, इधर ये है, बिकॉज इट वॉज द एग्जैक्ट सेम हाउस. वेल, साथ ही अजीत सर के साथ एज वेल एज तब्बू, श्रेया, कितना क्या कुछ सीखने मिला है, और कुछ ना कुछ तो ऐसे मोमेंट्स होते ही है ऑन लोकेशन, ऑफ स्क्रीन तो बहुत कुछ, कुछ ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे आप इस बारे में? वैसे तो अजय सर इज़ नोन फॉर प्लेइंग प्रैंक्स, बट आई थिंक बिकॉज ये थोड़ी फिल्म अलग है, सीरियस है, काफ़ी हद तक हमारा जो एनरिज्म एंड यू नो एटमोसफेयर रहता था वो सीरियस ही होता था, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट डिस्कशन फिल्म को लेके, जैसा आपने देखा है फिल्म इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट अ कॉमेडी और इट्स नॉट लाइक अ लाइट एंटरटेनिंग फिल्म, इट्स अ वेरी सीरियस फिल्म. बट हाँ ऑफकोर्स मैंने, मुझे अभी पता नहीं क्या हुआ था, बट हम लोग गोवा में शूट कर रहे थे, बीच साइड एक रेस्टोरेंट था, एंड सडनली मैंने देखा कि हमारे क्रू से कोई एक इंसान थे जो पानी के अंदर जा रहे थे, पूरा भीग रहे थे, डुबकी मार रहे थे अंदर. तो मुझे समझ में नहीं आया कि रात का टाइम है, 9 बजे, ऐसा कोई क्यों जाएगा, नो भी जो सेट पे काम कर रहा है. देन मैंने इधर देखा तो अजय सब, बाकी काफ़ी सारे लोग थे, सब बैठ के हंस रहे थे. तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो प्रैंक किया होगा. खैर वो मैं प्रैंक का हिस्सा नहीं थी, बट सब बहुत हंस रहे थे कि कुछ तो अजय सर ने ही प्लानिंग की होगी, और वो पता नहीं, वो अभी तक राज है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था. बट ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स होते रहते थे सेट पे. एज वेल एज जैसे कि हम हमेशा से कुछ ना कुछ करते हैं, तो हर किसी से हमें कुछ ना कुछ विशेष मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है. किससे अब तक के सबसे बेस्ट विशेष मिले हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली हो? आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन, जो भी मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि सब ने मुझे कॉल किया. एंड आई थिंक बहुत इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस जब आप कोई काम करते हो और आपके आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है. अनलोन मतलब फैंस एंड जिन्होंने मूवी देखी उनसे तो मिलता है, बट जब अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड स्पेशली वो लोग जिन्हें यू नो यू लुक अप टू देम, भले वो इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स हो गए या फिर अदर एक्टर्स, यू नो कलीग्स, फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं अभी भी. येस्टरडे ऑल्सो समबडी कॉल मी, एंड इट फील्स रियली नाइस टू बी अप्रिशिएटेड फॉर योर वर्क. एंड ओवरऑल फिल्म को इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए आई थिंक अल्टीमेटली वही हुआ कि फ्राइडे को क्या हुआ, अगर फ्राइडे को फिल्म अच्छी लग जाती है, एंड इट्स लाइक अभी वीकडे चल रहा है एंड अभी भी हाउसफुल है, अभी भी लोग जाके देख रहे हैं, एंड आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ से ये और ज़्यादा यू नो पॉपुलर हो रहा है. जब अभी मैं अपने मदर इन लॉ के घर पर पार्टी थी, ऑल द लेडीज़ हैड कम, तो उनका रिएक्शन भी देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि यू नो सबने देखी है फिल्म. तो आई थिंक फॉर मी आई एम रियली ऑन अनदर हाई, लाइक आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. निशिता, आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरीके के फिल्म्स करना पसंद करती है, कैसा कंटेंट आप पसंद करती है, क्योंकि हमेशा से हमने अब तक जिस किसी से बात की है, किसी का कहना होता है कि इनका जो डायरेक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है, इनके कंटेंट्स अच्छे होते हैं, आपकी सोच क्या है?
इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट मुझे एज अ वर्सटाइल एक्टर खुद को देखना है. ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ सीरियस सिनेमा ही करनी है. मुझे कॉमेडी भी करना है, मुझे नेगेटिव प्ले करना है, क्योंकि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाना है. जो गर्ल नेक्स्ट डोर इज़ वेरी इजी, वो हमेशा मुझे आता ही है बिकॉज ऑफ द वे आई लुक एंड जो भी मैंने पास में प्रोजेक्ट्स किए हैं. बट आई थिंक एज एन एक्टर जो चैलेंजिंग मेरे लिए होगा कि अगर मैं कुछ अलग रोल करूँ, जैसा कि मैंने कहा कि नेगेटिव इज़ समथिंग जो शायद लोग इमेजिन नहीं करते, तो मुझे वो करना है. मुझे हॉरर यू नो हॉरर फिल्म्स या हॉरर वेब शो जो भी वैसा कुछ करना है, तो अलग हट के कुछ डिफरेंट करना है. बिल साथ ही जितने भी ऑडियंस है हर कोई ये दिन तो हमेशा से याद करता है. बहुत से मेम्स मीम्स बनते हैं 2 अक्टूबर एज वेल एज जो एक आपका जो सिनेरियो था कि बस से जाना. तो पूरा जर्नी वो जो पूरा जर्नी है, तो जब भी आप गोवा जाएंगे तो कितना ये चीजें याद करेंगे और कितना हमेशा. इनफैक्ट पिछले 7 सालों में भी जब भी मैं कोई रेस्टोरेंट में जाती थी, ऐसा मैं नहीं कहूँगी रोज़ बट ऐसा होता था काफ़ी बार, जहाँ जब लोग आते थे और मुझे पूछते थे कि आप पाव भाजी खा रहे हैं या फिर 2 अक्टूबर के बारे में कुछ पूछते थे. ऑफकोर्स पिछले 1 साल में बहुत बढ़ गया है बिकॉज जैसे ही न्यूज़ आ गया कि दृश्यम 2 आने वाली है, लोगों को वो याद आ गया. एंड इस साल मीम्स मुझे लगता है कि मेरा फ़ोन भर गया था. लाइक आफ्टर पॉइंट मैंने खुद ही डाल दिया कि हाँ भाई मुझे पता है 2 अक्टूबर का, क्योंकि हर बंदा जो मुझे जानता है वो मुझे फॉरवर्ड कर रहा था. तो आई थिंक इट्स आइकॉनिक राइट, किसी एक फिल्म को कोई एक चीज़ इतनी याद है लोगों को कि हर 2 अक्टूबर में आपको मैसेजेस आ रहे हैं. और मुझे लगता है दृश्यम 2 के वजह से वो और लोगों को याद आ गई है. एंड आई थिंक नेक्स्ट 7 ईयर्स तक वो मुझे मैसेजेस आने वाले हैं हर 2 अक्टूबर को. स्क्रीनिंग के दिन भी हमने देखा कि जिस तरीके से काजल अजय देवगन दोनों आपके साथ थे, क्या कुछ विशेष उनके थ्रू आपको मिले हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत से आपके पोस्ट देखे. हाँ ऑफकोर्स दे आर वेरी स्वीट, दे आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यू नो दे आर देयर एज फैमिली एंड एज फ्रेंड्स. तो ऑफकोर्स जब लाइक आई सेड, जब जो एक्टर्स काफ़ी बड़े हैं, नेशनल अवार्ड विनर्स हैं, यू नो दे आर सच ग्रेट एक्टर्स. आई मीन आई थिंक आई डोंट इवन नो व्हाट टू से. आई मीन बोथ अजय सर एंड काजोल, जब वो आपको विश करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग राइट. लाइक दे आर लाइक मेंटर्स फॉर मी. एज वेल एज जिस तरीके से मैंने आपको 2 अक्टूबर की याद दिलाई और बहुत सारे जो एक जर्नी है याद दिलाई, आपसे कितने लोगों ने दृश्यम 1 के बाद पूछा था कि दृश्यम 2 में क्या कुछ होने वाला है? बहुत लोगों ने पूछा था. इनफैक्ट मैं खुद भी सोचती थी कि मतलब आई एम टेलिंग यू ना कि आई एम मोर एज अ व्यूअर, आई एम सो शॉक्ड कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है सेकेंड पार्ट में. वेयर जनरली सीक्वल्स में बहुत कंपैरिजन होता है, लोग काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं कि वो 1 के तरह हो पाएगी कि नहीं, उससे बेटर है कि नहीं, कम है कि नहीं. बट आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट जो सेकेंड पार्ट बनी है उसका स्टोरी लाइन इतना स्ट्रॉन्ग है कि बाहर निकल के आप फिंगर नहीं पॉइंट कर सकते कि नहीं नहीं ये गलत दिखाया, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये समझ में नहीं आया. जितने लोग बाहर निकले सब आई थिंक फॉर 5 मिनट्स दे वर जस्ट लाइक क्या हुआ, मतलब कैसे, यू नो इट्स सो जस्टिफाइड. आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दृश्यम कि इवन इन द फर्स्ट पार्ट एवरीथिंग वॉज जस्टिफाइड. कि दो इसमें एज अ फैमिली बात तो गलत है, किसी का मर्डर हो जाता है, लेकिन यू अंडरस्टैंड कि येस फादर इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अपनी फैमिली को. सिमिलरली जो मीरा का कैरेक्टर जो तबू मैम ने किया, यू फील कि येस उनका भी तो बेटा था, तो उनका भी जो भी एक्शन है दैट इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके लिए यू नो रिवेंज या फिर जस्टिस चाहती है. तो एवरीथिंग इज राइट, लाइक सब अपनी जगह राइट है. आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ द फिल्म, दैट्स व्हाई पीपल लव इट. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद श्रिया, बिकॉज शी इज ऑल्सो अ मदर एज वेल एज शी वॉज प्लेइंग अ पार्ट एज अ लाइक योर मदर. या सो हाउ वाज योर, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू वर्क विद हर. फर्स्टली आई हैव टू से शी इज अ वंडरफुल पर्सन, शी इज वेरी स्वीट, वेरी डाउन टू अर्थ. उन्होंने भी इतनी सारी फिल्म्स की है इन साउथ स्पेशली, शी इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स इन द साउथ इंडियन इंडस्ट्री. एंड हाउ हम्बल शी इज़, इट्स रियली सरप्राइजिंग. इन फैक्ट शी वुड गिव मी अ लॉट ऑफ टिप्स ऑन माई लुक, ऑन मेकअप. एंड आई थिंक इन दिस एंटायर टीम आई थिंक आई बॉन्डेड द मोस्ट विथ हर, बिकॉज लाइक आई सेड शी इज़ वेरी वेरी स्वीट एंड शी इज़ वेरी फ्रेंडली. साथ ही जब भी हमने श्रेया से बात की थी, उनका स्टेबल होना इतना आसान नहीं है, वो हर छोटी छोटी बातों में हंसी भी आती है. वेल उस दौरान कुछ ऐसे कोई मूमेंट्स कुछ अगर आपको याद हो, क्योंकि शी इज़ लाइक फैट. या शी इज़ अ लॉट ऑफ फन, लाइक आई सेड ना बहुत मज़ा आता है, स्पेशली हम जब गोवा में रहते थे, वी यूज़ टू गो आउट एंड वी आई रियली हैड अ ब्लास्ट शूटिंग विद श्रेया, स्पेशली दिस टाइम. आई थिंक फर्स्ट टाइम में हम लोग स्टिल एक दूसरे से मिल रहे थे, बट अब यू नो आई थिंक द बॉन्ड वॉज डीपर.
एंड लाइक यू सेड, आपने तो आप तो मिले ही हैं. शी इज अ वेरी फनी पर्सन. लाइक शी लव्स लाफिंग, शी लव्स इंजॉइंग. बट ऑफकोर्स वैन इट कम्स टू यू नो शूट पॉइंट ऑफ व्यू, तब हम सीरियसली करते थे. बट हाँ, जैसे कट होता था, हम लोग का अपना जोक शुरू हो जाता था, कुछ ना कुछ मस्ती शुरू हो जाती थी. सो वैन शी इज़ ऑन सेट, इट्स ऑलवेज लाइक अ वेरी फन एटमोसफेयर. बट आफ्टर वॉचिंग द मूवी, इट्स फील लाइक कि दृश्यम 3 का भी इंतज़ार है. मैं सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ, बिकॉज आई रियली आई एम लाइक, इसके बाद क्या दिखाएंगे, लाइक वॉट पॉसिबली. इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल मीट मी एंड वो अपना ही वर्जन सुनाते हैं मुझे कि हमें लगता है दृश्यम 3 में ये होगा, हमें लगता है ऐसा होगा. तो लेट्स सी क्या होगा. साथ ही लाइक दृश्यम 1 में डायरेक्टर कोई अलग था, दृश्यम 2 में कोई अलग, उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग. ऑफ कोर्स एज वेल एज अगर दृश्यम 3 आती भी है तो मलयालम में तो पार्ट 2 बना था, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेट किया ही था स्टोरी. लेकिन 3 बनने के टाइम कितना चैलेंजिंग होगा और किरदार में चेंजेस लाना कितना कुछ चैलेंज. लाइक आई थिंक इट्स टू अर्ली राइट नाउ टू, मतलब वी आर ऑल प्रिज्यूमिंग, दैट्स वॉट इवन आई हैव हर्ड. ऐसा कुछ ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है मेरे पास, इट्स नॉट एन ऑफिशियल कन्फर्मेशन. दिस इज समथिंग इवन आई एम होपिंग कि बने, बिकॉज लोगों को इतनी अच्छी लगती है, मुझे इतनी अच्छी लगती है. बट ऑनेस्टली अपार्ट फ्रॉम आई हैव नो आइडिया कि बनेगी, अगर बनेगी तो कब बनेगी, क्या होगा कैरेक्टर. लाइक जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है. आई जस्ट यार जस्ट होपिंग दैट इट हैपेंस. वेल और भी क्या कुछ सरप्राइज मासेस के लिए होंगे, और भी कई नए प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आजकल वेब सीरीज भी एक हाँ आने लगा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म OTT बन गया जहाँ अलग अलग तरीके के सीरीज yes. देखने मिल रहे हैं. कुछ आपके अगर कोई अपकमिंग. आई वुड रियली लव टू बी पार्ट ऑफ अ गुड वेब शो. ऑनेस्टली मैंने टेलीविजन किया है, मैंने फिल्म्स किया है, वेब बाकी है. आई एम टॉकिंग फॉर समथिंग विथ वत्सल, उसमें है अभी तक वी हैव नॉट स्टार्टेड. सो व्हेनेवर ऑफिशियली वी स्टार्ट, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू पुट इट आउट ऑन माय सोशल मीडिया एंड मैं आप सबसे बात करूंगी. बट येस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट ईयर बिकॉज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. राइट नाउ आई एम जस्ट एंजॉइंग द सक्सेस ऑफ दृश्यम 2. Well, lastly, any message to all the viewers who are watching? To all the viewers, thank you so much for all the love. मैं constantly social media में इतना appreciation सुन रही हूँ दृश्यम 2 को लेकर, मुझे बहुत खुशी हो रही है. थैंक यू सो मच. एंड जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखिए, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. थैंक यू अशिता. थैंक यू. इट वॉज नाइस मीटिंग यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.